नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया फिट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसाले के बारे में जिसके आपने कई फायदे सुने होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि जहां किसी चीज के फायदे होते हैं तो वहीं उस चीज के नुकसान भी होते हैं। किसी भी चीज का इस्तेमाल अगर लिमिट में किया जाए तो ही वो फायदेमंद होता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मसाले के बारे में बात करने वाले हैं जो वैसे तो बहुत गुणकारी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में उसका इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। क्या आप अनुमान लगा पाए कि हम किस मसाले की बात कर रहे हैं? चलिए आपको एक और हिंट देते हैं। इस मसाले का इस्तेमाल दुनिया इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए करती है। कुछ समझ आया? चलिए आपको बता ही देते हैं कि हम बात कर रहे हैं काली मिर्च के बारे में। काली मिर्च एक ऐसा मसाला है जो आपको हर घर में मिल जाएगा। मुझे यकीन है कि आपके रसोई घर में भी आपको काली मिर्च जरूर मिलेगी और आप भी उसका अच्छे से इस्तेमाल करते होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में आपको काली मिर्च के कुछ फायदे तो बताएंगे ही, साथ ही आपको काली मिर्च के कुछ नुकसान भी बताएंगे जिनसे आपकी सेहत को खतरा हो सकता है। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि काली मिर्च के अगर फायदे हैं तो उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए और किस मात्रा में करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। जिस प्रकार हमारे घरों में काली मिर्च का इस्तेमाल होता है, क्या आपने कभी ये सोचा था कि काली मिर्च का उत्पादन हमारे देश में नहीं होता? मुख्य तौर पर काली मिर्च दक्षिण भारत से संबंधित है। रोमन काल के दौरान भारत में बंदरगाहों से लाल सागर क्षेत्र में काली मिर्च का आयात किया गया था। विश्व स्तर पर मसालों के व्यापार में काली मिर्च को सबसे पुराने मसाले में गिना जाता है। दक्षिण भारत और चीन में काली मिर्च की खेती होती है। काली मिर्च का आयात सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य में किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं काली मिर्च के कुछ फायदों के बारे में। नंबर वन, काली मिर्च बढ़ाती है आपकी पाचन शक्ति। काली मिर्च टेस्ट बड्स को उत्तेजित करती है और पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्त्राव को बढ़ाती है, जो आपके बेहतर और स्वस्थ पाचन में मदद करता है। अधिकतम लोगों को ये लगता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज्यादा होने से पाचन समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि ज्यादा पाचन समस्याएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी के कारण होती हैं, ना कि उसके बढ़ने की वजह से। खाने में थोड़ी सी काली मिर्च भोजन को तेजी से पचने में मदद कर सकती है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि अपना पाचन ठीक करने के लिए काली मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। पाचन में सुधार करके काली मिर्च उदर संबंधी सूजन, अपच, पेट फूलना, पेट में गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। नंबर टू, भूख को उत्तेजित करना। आपके भोजन को एक अच्छा स्वाद देने के साथ साथ काली मिर्च पाचन शक्ति और भूख को भी बढ़ाती है। कई रिसर्च से ये पता चला है कि काली मिर्च अपनी सुगंध के माध्यम से भूख को बढ़ाने में मदद करती है। इसलिए जिन लोगों को कम भूख लगती है उनके लिए भूख बढ़ाने के लिए काली मिर्च एक अच्छा और सरल उपाय है। अपनी भूख बढ़ाने के लिए आप आधा चम्मच काली मिर्च और गुड़ के पाउडर का एक मिश्रण तैयार कर लें और इस मिश्रण का थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन सेवन करने से आपकी भूख में बढ़ोतरी होगी। नंबर थ्री, वजन कम करना। वहीं आप सोच रहे होंगे कि अभी तो काली मिर्च भूख बढ़ा रही थी, तो अब काली मिर्च वजन कम कैसे कर सकती है? तो आपको बता दें कि ये बात तो सच है कि काली मिर्च भूख बढ़ाती है, पर फिर भी ये आपके वजन को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। बस इसको इस्तेमाल करने का तरीका कुछ और होगा। काली मिर्च की बाहरी परत में फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फैट कोशिकाओं को तोड़ने में मदद करते हैं। 2010 में चूहों पर किए गए एक एक्सपेरिमेंट के अनुसार काली मिर्च शरीर में फैट संचय को रोकती है। इसके अलावा काली मिर्च आपके चयापचय में सुधार करके कैलोरीज को बर्न करने में भी मदद करती है। वजन कम करने के लिए आपने सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने के बारे में तो सुना होगा,
इसके अलावा आप उस नींबू पानी में अगर एक चुटकी काली मिर्च मिला देंगे तो आपका वजन कम करने का ख्वाब जल्दी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा काली मिर्च एक फैट रहित आहार भी है। ये एक मूत्रवर्धक और डायफोरेक्टिक जड़ी बूटी होने के कारण पेशाब और पसीने को बढ़ाती है, जो बदले में शरीर से विषाक्त पदार्थों और अधिक पानी को बाहर निकालने में सहायता करती है। लेकिन दोस्तों, याद है ना हम शुरू से क्या कहते आ रहे हैं, इसका ज्यादा इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। आप इसका इस्तेमाल किसी भी रूप में करें, पर ध्यान रखें चुटकी भर से ज्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। नंबर 4, काली मिर्च से पाएं गैस की समस्या से छुटकारा। एक कार्बिनेटिव होने के नाते काली मिर्च पेट में गैस को खत्म करती है और साथ ही ये गैस बनने से भी रोकने में मदद करती है। चलिए अब आपको काली मिर्च के कार्बिनेटिव औषधीय गुणों का लाभ उठाने के कुछ तरीके बताते हैं। अगर आपको बार बार गैस की परेशानी होती है तो मिर्च पाउडर या मिर्च की बजाय आप काली मिर्च का इस्तेमाल करना शुरू करें। आप अपने खाने में लाल मिर्च या हरी मिर्च की बजाय काली मिर्च का इस्तेमाल करें। ये गैस बनने से रोकने का सबसे सरल उपाय है। अपच और पेट में भारीपन का इलाज करने के लिए काली मिर्च और जीरा पाउडर दोनों को एक तिहाई चम्मच एक ग्लास छाछ में मिलाकर पिए। इससे आपकी अपच और पेट में भारीपन की समस्या छूमंतर हो जाएगी। अगर आपको गैस की वजह से पेट में दर्द होता है तो इस दर्द को दूर करने के लिए आप थोड़े से सरसों के तेल में चुटकी भर काली मिर्च को डालकर उसे थोड़ा सा गुनगुना कर लें और उस मिश्रित तेल से आप अपने पेट की मालिश करें। इससे आपके गैस के दर्द में आपको राहत जरूर मिलेगी। नंबर 5, सर्दी से दिलाए राहत काली मिर्च। क्योंकि काली मिर्च कफ को कम करने में सहायक है, इसलिए काली मिर्च का उपयोग भरी हुई नाक और कंजेशन को साफ करने के लिए भी किया जा सकता है। काली मिर्च में रोगाणुरोधक गुण भी मौजूद होते हैं और यही वजह है कि काली मिर्च खांसी और सर्दी जुकाम के उपचारों में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती है। श्वास तंत्र को साफ करने के लिए रोज 2 या 3 बार एक ग्लास गुनगुने पानी में काली मिर्च पाउडर का आधा चम्मच मिलाकर पिएं। काली मिर्च प्रकृति में एंटीबैक्टीरियल होती है और इसलिए ये सर्दी और खांसी को ठीक करने में भी मदद करती है। ताजी क्रश की हुई काली मिर्च के साथ एक चम्मच शहद बड़े काम का साबित हो सकता है। इसके अलावा आप काली मिर्च और यूकेलिप्टस तेल के साथ मिश्रित गर्म पानी के बर्तन से भाप लेने का भी प्रयास कर सकते हैं। एक और आसान उपाय है कि आप काली मिर्च और तिल के तेल की कुछ बूंदों का मिश्रण बना लें और उसे सूंघें। इससे आपको छींके तो जरूर आएंगी, लेकिन ये उपाय आपके साइनस को बिल्कुल ठीक कर देगा। काली मिर्च विटामिन सी से भरपूर होती है और ये एक अच्छे एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करती है। नंबर 6, गठिया के दर्द में पाएं काबू। काली मिर्च में मौजूद पेपरिन अपने एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी गठिया गुणों के कारण गठिया के इलाज के लिए फायदेमंद होता है। काली मिर्च का तेल त्वचा पर लगाने से ये त्वचा को गर्माहट देता है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। इसका उपयोग गठिया से पीड़ित लोग दर्द से छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं। ये गठिया से पीड़ित लोगों के शरीर से यूरिक एसिड जैसे विषाक्त पदार्थों को हटाने में भी मदद करता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। कई रिसर्च में ये भी पाया गया है कि काली मिर्च को सरसों के तेल में गुनगुना करके मालिश करने से दर्द और गठिया के लक्षणों की धारणा को कम करने में मदद मिलती है। नंबर 7, काली मिर्च कर सकती है कैंसर से बचाव। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कि कैंसर से लड़ते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि काली मिर्च अपने महत्वपूर्ण एंटी प्रोलिफेरेटिव गतिविधि के कारण आपका कैंसर से बचाव कर सकती है। इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल सामग्री उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोगों के खिलाफ भी रक्षा प्रदान करती है। नंबर 8, डिप्रेशन में है फायदेमंद काली मिर्च। काली मिर्च में पेपरिन सेरोटोनिन के उत्पादन में वृद्धि करके एक एंटी डिप्रेसेंट के रूप में काम करती है। सेरोटोनिन मूड स्विंग्स के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और सेरोटोनिन का निम्न स्तर डिप्रेशन का एक महत्वपूर्ण कारक है।
नंबर 9, दांतों और मसूड़ों के लिए भी फायदेमंद है काली मिर्च। क्योंकि काली मिर्च दर्द और सूजन को कम करने में सहायक है, आप काली मिर्च का उपयोग नमक के साथ मसूड़ों में जलन और सूजन को ठीक करने के लिए भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल मुंह की बदबू और मसूड़ों से खून आना जैसी मौखिक परेशानियों का समाधान करने के लिए भी किया जा सकता है। पानी की कुछ बूंदों में नमक और काली मिर्च दोनों को बराबर मात्रा में मिलाएं और इससे अपने मसूड़ों की मालिश करें। दांत के दर्द को कम करने के लिए लौंग के तेल में काली मिर्च पाउडर की एक चुटकी मिलाकर प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। इससे आपको दर्द से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो थे काली मिर्च के कई सारे फायदे। चलिए अब आपको काली मिर्च के नुकसानों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, क्योंकि काली मिर्च स्वाभाविक रूप से उष्म होती है, इसका अत्यधिक सेवन आपके पेट में जलन पैदा कर सकता है। पर चिंता ना करें, ये जलन कुछ ही देर की होती है और कुछ समय बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है। पर इससे बचने के लिए आपको अपने रोजमर्रा के खान पान में काली मिर्च का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। गर्मियों में ज्यादा काली मिर्च खाने से पेट में जलन और गर्मी की समस्या हो सकती है। ज्यादा काली मिर्च खाने से पेट की समस्या जैसे गैस, डायरिया और कब्ज भी हो सकता है। आपको सर्दी में भी इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। काली मिर्च की तासीर गर्म होती है, इसीलिए पित्त प्रकृति वाले लोगों को काली मिर्च का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अग्नि की मात्रा बढ़ सकती है और स्वास्थ्य को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 2, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको गर्म तासीर वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। ऐसे में आप गर्भावस्था में बहुत ही सीमित मात्रा में काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं। गर्भावस्था में तो गर्मी में बिल्कुल काली मिर्च नहीं खानी चाहिए। अगर सर्दी का मौसम है तो भी आप बहुत कम मात्रा में काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं फीड कराने वाली महिलाओं को तो काली मिर्च का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, इससे दूध पीने वाले बच्चों को नुकसान हो सकता है। नंबर 3, खूबसूरत और चमकदार त्वचा पाने के लिए आपकी स्किन में नमी होना जरूरी है, इसलिए गर्म तासीर की चीजें खाने से बचें। काली मिर्च काफी गर्म होती है, इसे ज्यादा खाने से पित्त बढ़ जाता है और त्वचा में खुजली हो सकती है। काली मिर्च का ज्यादा सेवन करने से त्वचा रोग भी हो सकते हैं, इससे त्वचा में जलन भी हो सकती है। काली मिर्च ज्यादा खाने से चेहरे पर दाने और मुंह पर मुहासे भी हो सकते हैं। नंबर 4, ज्यादा काली मिर्च खाने से पेट के रोगियों को परेशानी हो सकती है। काली मिर्च खाने से पेट में अल्सर भी हो सकता है। अगर आपको पहले से ही अल्सर है तो आपको काली मिर्च खाने से बिल्कुल बचना चाहिए, इससे आपकी समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। सर्दी के मौसम में भी आप डॉक्टर की सलाह पर ही काली मिर्च का सेवन करें। ज्यादा काली मिर्च खाने से सांस की समस्या भी हो जाती है। ज्यादा काली मिर्च खाने से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इससे ऑक्सीजन का फ्लो प्रवाहित होता है और सांस की समस्या होने लगती है। तो दोस्तों, ये तो थे काली मिर्च के कुछ फायदे और कुछ नुकसान। हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज की अति आपकी सेहत के लिए हमेशा हानिकारक ही रहेगी। तो चलिए, आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि सबको ये जानकारी प्राप्त हो सके। और जाने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। फिर मिलूंगी एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।